ही लग रहा था कि विराट कोहली पांच का, गेंदों पांच का सामना था विराट गेंदों कोहली। मतलब 5 गेंदे खा गए विराट कोहली, और एक रन इन्होंने बनाए 20 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो विराट का अनुभव यहाँ पे काम आना चाहिए था, लग रहा था, बट विराट नहीं चले, रोहित चल गए, जिनसे उम्मीद इतनी ज्यादा नहीं थी। लगा था विराट कोहली लो इस जी, आप पिचेस पे रोहित की बात बहुत करते हैं, रोहित की पारी देखिए आप, हालांकि रिटायर्ड बिल्कुल आउट हर्ट आउट हुए, लेकिन भाई हर्ट जरूर किया उन्होंने। बिल्कुल मुझे तो ये था कि बिल्कुल जीत कर ही आएंगे, जीत कर जीतना आएंगे। चौका लगा के आएंगे, लेकिन 52 बनाए 37 बॉल में, 140 का अमेजिंग स्ट्राइक रेट और चौके छक्के के, तो यार मजा आ गया छक्के मजा आ देखने गया बिल्कुल, देखिए छक्के देखते मजा आ गया। 4,000 रन इन्होंने पूरे कर लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, 600 छक्के इन्होंने पूरे कर लिए T20s में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कीर्तिमान इन्होंने रचा है। 52 रन बनाए हैं इन्होंने, 37 गेंद का सामना किया है, बॉल्स का सामना किया है, 140 के स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट इस पिचेस पे, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मैटर नहीं कर रहा इस पिच पे, वो मैटर कर रहा है कि आपका इंटेंट क्या है, कितनी देर तक आप बल्लेबाजी कर सकते हो ऐसी पिचेस पे। टीम इंडिया स्ट्रगल थोड़ा सा जरूर कर रही थी स्टार्टिंग में, बट टोटल छोटा था, 97 का टोटल था, जिस वजह से टीम इंडिया को थोड़ी सी आसानी हुई। सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गए, बट रोहित शर्मा एक एंड से खड़े हुए थे, विराट का साथ उनको नहीं मिला, लेकिन साथ उनको ऋषभ पंत का जरूर मिला था। ऋषभ पंत ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, बट रोहित शर्मा लोन वॉरियर की तरह खड़े हुए, कप्तान थे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का काम किया इन्होंने। आईपीएल में जिस तरीके की फॉर्म थी और यहाँ जिस तरीके की फॉर्म है, वो बड़ी जबरदस्त है। इसीलिए बोलते हैं कि पिच बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आईपीएल में आपको 250 देखने को मिली, आपको पाटा बिल्कुल विकेट देखने को मिला, बट यहाँ पे आपको 100 140 ऐसी ही पिच है। यहाँ पे अगर कोई 140 बना दे तो वो बहुत मुश्किल से चेज होंगे, ऐसे लग रहा था, क्योंकि पिच अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैचेस आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा खराब हो रही है पिच, और इस पर डेफिनेटली सवाल उठने चाहिए कि आईसीसी ऐसी पिचेस कैसे बना सकता है, क्योंकि जब मोनोबायलेटरल सीरीज होती है तब कोई ऐसी पिच बना दे तो उनके पॉइंट्स कट जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा। तो आई थिंक ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने काफी अच्छा जबरदस्त परफॉर्म किया, लास्ट में रिवर्स स्कूप मार के उन्होंने मैच को फिनिश करा है। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देख के। स्ट्राइक रेट अगर आप भूल भी जाइए तो जो पुराने विंटेज जो ऋषभ पंत थे, वो उसकी उस चीज की याद आ गई, 2.0 बिल्कुल ऋषभ पंत जिसको बोलेंगे, उस चीज की याद आ गई। पंत ने 36 रन बनाए, 36 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया और 140 के अराउंड, 138 के अराउंड का उनका स्ट्राइक रेट रहा। जबरदस्त खेला, रोहित शर्मा का साथ दिया, उसके बाद दुबे के साथ भी वो आ गए थे, दुबे को तो खैर मतलब दुबे को तो उतना कुछ बल्लेबाजी मिली नहीं, बट ऋषभ पंत ने आखिरी में आके रिवर्स हुक लगा के मैच को फिनिश जिस तरीके से किया था, मजा आ गया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ऋषभ देख के बहुत पंत ज्यादा मजा आ गया। यार ठीक है, आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 36 बनाए उन्होंने, 26 गेंदों का सामना किया और 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए। लेकिन आप कहते हैं ना, आगाज अच्छा हो फिर अंजाम भी बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल क्योंकि भाई हमने देखा था कि जिस तरीके आप आगाज अच्छा करते हो फिर उसके बाद अंजाम तो हम सबको पता ही था, और 97 तो स्मूथ सा टारगेट था, स्मॉल इन्होंने टारगेट बड़ी था आसानी के साथ हासिल कर बिल्कुल लिया, 8 विकेट से टीम इंडिया जीत गया है मुकाबला। और इस मैच में अगर आप देखोगे हीरो टीम इंडिया कई सारे मिले हैं, चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें, और जिस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया गई थी भी बड़े कमाल कॉम्बिनेशन आज मुझे नजर आया, बिल्कुल क्योंकि हार्दिक पांड्या से ये उम्मीद थी कि आप बल्ले से तो हम सब जानते जैसे उन्होंने परफॉर्म किया था बांग्लादेश के साथ वो मैच में किया था, हम चाहते बॉलिंग के साथ अच्छा करे, आज देखिए बॉल के साथ जो उन्होंने गेंदबाजी की भाई कमाल कर दिया आज। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए बॉल गेंद के बैट के साथ उन्होंने 40 रन बनाए थे वार्म अप मैच में, बट आज गेंद के साथ जिस तरीके से उन्होंने सिक्स की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करी है, 3 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, मजा आ गया। और जिस तरीके से आज पांड्या की बॉल लहरा रही थी, हम विंटेज पांड्या को देख रहे थे, कि यूजुअली पांड्या की बॉल बहुत ज्यादा लहराती थी, उस तरीके से हमने देखने की कोशिश करी थी और वो सफल भी रहे थे, बहुत ज्यादा उनकी गेंद लहरा रही थी। स्विंगिंग कंडीशंस का हार्दिक पांड्या को आज फायदा मिला है, और जब भी स्विंगिंग कंडीशंस रहती है तो हार्दिक पांड्या डेफिनेटली पिक्चर में आते हैं, हार्दिक पांड्या से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। रोहित शर्मा ने अपना काम किया, हार्दिक ने अपना काम किया, ऋषभ पंत ने भी अपना काम किया, गेंदबाजों में भी सबने अपना काम किया, चाहे वो अर्शदीप की बात करें, चाहे वो हार्दिक की बात करें, चाहे वो बुमराह की बात करें, बुमराह को तो प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है आज के मुकाबले में, 2 की इकोनॉमी से यार उन्होंने गेंदबाजी करी है, 2 विकेट जरूर चटकाए हैं। उनको देख के मोनू मुझे ऑनरिक नोकिया की याद आ गई, जिन्होंने 1 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी से गेंदबाजी बिल्कुल, करी थी, और 2 की इकोनॉमी, दो नहीं की आज इकोनॉमी से इनफैक्ट सिराज ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी सिराज ने की, भी सिराज अच्छी। ने सिर्फ 3 ओवर में 13 रन ही दिए और 1 विकेट उन्होंने छक्का, सिराज का गेंद थोड़ा चढ़कर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भाई जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने किया, लेकिन ऋषभ पंत ने जो फिनिशिंग टच दिया ये लास्ट बड़े कमाल बिल्कुल का। बिल्कुल देखिए फिनिशिंग टच, डेफिनेटली आपने सही कहा, फिनिशिंग टच उन्होंने दिया, इस चीज के वो जाने जाते हैं। लास्ट में उन्होंने रिवर्स स्कूप लगाया था, रिवर्स स्कूप मारा था, जिसके बाद मैच
फिनिश हो गया था, तो वो चीज देख के बड़ा ही मजा आया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देख के, विंटेज ऋषभ पंत जो हम 2022 2023 में देखते थे, वो आड़े टेढ़े शॉट्स सुन के देखते थे, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स मारते हुए देखते थे, वो हमें देख के बड़ा मजा आया। ऋषभ पंत फाइनली वापस आ चुके हैं। आईपीएल में खेलना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन वर्ल्ड कप में खेलना इज डिफरेंट थिंग, और वही चीज आज हमें देखने को मिली है। आईपीएल में भले ऋषभ पंत ने अच्छा परफॉर्म करा हो स्टम्प्स के पीछे भी, स्टम्प्स के आगे भी मतलब बल्लेबाजी में भी, बट बहुत ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्म किया। बात करें विराट कोहली की, तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा, एक रन बनाया और 6 गेंदें उन्होंने ले ली खेलने के लिए, बट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट इसलिए करा क्योंकि इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी। ऐसी पिचेस में आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है, उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें रहती है, बट उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतर पाए। खराब शॉट खेल के ये भी आउट हो गए थे, इनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया था आयरलैंड की टीम की तरफ से, बट इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें अब 9 तारीख को रहेंगी जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है, विराट कोहली के वो एमसीजी वाले 3 छक्के हारिस श्रॉफ के जो मारे थे वो याद आ जाते हैं, बट लेट्स सी इस बार हारिस श्रॉफ खेलते हैं, अगर प्लेइंग 11 में उनको मौका मिलता है तो क्या फिर से वो छक्के लगाएंगे। बट विराट कोहली को आई थिंक अब पिचेस समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इन्होंने वार्म अप मैच नहीं खेला था, प्रैक्टिस उसके बाद जरूर करी थी, लेकिन जब तक आप कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते हो, आपको पिच उस तरीके से समझ नहीं आती है, तो वार्म अप मैच ना खेलने का मे भी नुकसान हुआ हो विराट कोहली को आज, जिस तरीके से बल्लेबाजी की थोड़ा सा फंसते हुए नजर आ रहे थे। स्टार्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी टीम इंडिया की, 1 विकेट उन्होंने खो दिया था, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा लोन वॉरियर की तरह खड़े रहे थे। उम्मीद करेंगे, उम्मीद बिल्कुल प्लेयर ऑफ द मैच, बिल्कुल प्लेयर ऑफ द मैच में मिला। और देखिए दो की इकोनॉमी से मोनू, हम ऑनरिक नोकिया की याद आ गई, जिस तरीके से ऑनरिक नोकिया ने श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी करी थी, उसी तरीके से गेंदबाजी आज जसप्रीत बुमराह की देखने को मिली है। काफी लहरा रहा था इनकी सटीक ओर कर आज हमें देखने को मिली। 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन इन्होंने दिए हैं, 1 विकेट इन्होंने जरूर चटकाया, और 2 की इकोनॉमी, तो 2 की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इन द सेंस T20 क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। मजा आया इनकी, मजा आया इनकी गेंदबाजी देखकर, और जिस तरीके से यॉर्कर्स इन्होंने फेंके दी। बिल्कुल, कहीं चाहे सिराज हो, सिराज ने भी राज किया है, और साथ ही साथ आपको बताएं कि भाई बुमराह हो, सिराज हो, या फिर जो बाकी गेंदबाज हैं, हार्दिक पांड्या ही क्यों ना हो, तो ये हार्दिक पांड्या का भी जबरदस्त रहा है। बिल्कुल, देखिए हार्दिक पांड्या ने तो काफी मतलब वापसी हो, 2021 वाली चीजें याद आ गई मुझे कि जब 2021 में वर्ल्ड कप में खेलने आए थे हार्दिक पांड्या, चोट के बाद आए थे, तो लग रहा था कि यार इनको गेंदबाजी देंगे या नहीं देंगे, इनसे इनसे बल्लेबाजी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट जबरदस्त उन्होंने भी परफॉर्म किया। और यहाँ पे सिराज की भी तारीफ करनी पड़ेगी, इन्होंने भी लय से लय मिलाई है, 1 विकेट इन्होंने जरूर चटकाया, 4.30 इकोनॉमी देखने को मिली। अब बट एक चीज समझ आ गई है कि आईपीएल में जो आपने करा सो करा, उसको छोड़ दीजिए, वर्ल्ड कप में आप क्या कर रहे हो वही आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और जसप्रीत बुमराह हो गए या फिर ऋषभ पंत, बुमराह कैसे आज बड़े इंप्रेस किया, 3 ओवर में सिर्फ 6 रन और 2 विकेट दो विकेट चटकाए, मतलब कमाल बिल्कुल कर दिया, मतलब बुमराह के सामने गुमराह होते हुए नजर आए सारे के सारे बल्लेबाज वही। लेकिन जो मर्जी कहें, इंडिया की जीत जरूर आई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सारे बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए, और साथ ही साथ गेंदबाजों की भी। हम रोहित को भूल जाते हैं बार बार, हम भाई रोहित शर्मा ने जो कमाल की बैटिंग की है, मजा आ गया जिनका जो अप्रोच था, और इनफैक्ट हमें यही रोहित शर्मा चाहिए, क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप में बात करते हैं ना कि यार रोहित का फॉर्म वैसा नहीं था आईपीएल में, क्या रोहित उसी पेस के साथ खेल पाएंगे, जो वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने जो अपना अप्रोच बदली थी ना, जो अटैकिंग ग्रिड बदला था, भाई उसी के साथ खेलेंगे, एग्जैक्ट वैसा ही उनका हमें देखा। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की जो बॉलिंग थी वो बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, आज उन्होंने स्पेल बड़े जबरदस्त किए, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन, 3 विकेट झटके, और जो मैन ऑफ द मैच मिला जिसकी आप बात करें बुमराह ने 2 विकेट लिए और 3 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, ये चाहिए था टीम इंडिया के, कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो, और जीत से आगाज इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बिल्कुल इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आप मोमेंटम के साथ जा रहे हो अपनी सबसे बिगेस्ट राइवलरी के खिलाफ खेलने, यानी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने, आप अपनी अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहे हो, और टीम इंडिया को एक फायदा ये भी मिलेगा कि इसी मैदान में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला भी होना है, तो टीम इंडिया को कंडीशंस थोड़ी सी पता लग जाएंगी कि किस तरीके से खेलना है। साथ साथ पहले यहाँ पर टॉस बहुत ज्यादा मैटर करेगा, इन पिचेस में आप टॉस बहुत ज्यादा मैटर करेगा और आपका अनुभव मैटर करेगा, स्ट्राइक रेट को भूल जाइए, ऐसा लग रहा है कि 10 साल पुराना हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पे 120 रन भी बहुत हुआ करते थे, अब तो T20 बहुत आगे बढ़ गया, जहाँ पे 250 रन बन रहे हैं, बट ठीक है पिच की जिस तरीके से डिमांड है, आज हमने देखा कि शुरुआत में टीम इंडिया भी फंस रही थी, बावजूद इसके कि उनका पास टोटल बहुत छोटा था चेस करने के लिए, लेकिन फिर भी फंस रही थी, जैसे हमने वेस्ट इंडीज को देखा, जैसे हमने साउथ अफ्रीका को देखा, आज हमने इंडिया को भी देखा कि थोड़ा सा फंसते भी नजर आ रहे थे, हालांकि 17 ओवर 16 पॉइंट 17th ओवर में ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था ये मुकाबला, बट शायद पहले भी कर सकते थे।
पहले भी कर सकते थे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि यार भाई टीम इंडिया के सारे खिलाड़ियों ने अच्छा किया है, अगर विराट का छोड़ दें, हालांकि एक दो मैच चलता है विराट का भी, सूर्या का भी ओपनिंग सूर्य का भी खराब नहीं आप कह था सकते हो, उनकी। लेकिन इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया मौज में और पाकिस्तान खौफ में, कुछ ऐसा हो हो सकता है। क्योंकि सकता है, हो क्योंकि सकता देखिए है। पाकिस्तान ने जो बोलिंग देखी हार्दिक पांड्या की, भाई वो जो मैजिकल गेंद डाली थी उससे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डरा होगा पाकिस्तान वाला एक बल्लेबाज। लेकिन जो बुमराह उस सिराज ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, वो कितना डेप्थ हार्ड, जिस तरीके की बार बार वो पटकी हुई गेंद कर रहे थे और आयरलैंड के बल्लेबाजों के पास वो जवाब ही नहीं था। जवाब नहीं सो था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बल्लेबाज भी थोड़े हिल गए होंगे देखे। डेफिनेटली हिल गए होंगे, क्योंकि वहां पे भी मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, फखर है, तो वहां पर भी बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन हमारी गेंदबाजी डेफिनेटली नो डाउट बहुत बेहतर हो रही है। साथ साथ बाउंस बहुत ज्यादा मिल रहा है इन पिचेस में। जैसे आपने देखा होगा अर्शदीप ने शुरुआत में ब्रेक थ्रू दिलवाया था, उसके बाद मोहम्मद सिराज पिक्चर में आए, हार्दिक पांड्या पिक्चर में आए, जसप्रीत बुमराह पिक्चर में आए, यानी ऑल इन ऑल पेसर्स का आज बोलबाला नजर आया। बाउंस बहुत थी, स्विंगिंग कंडीशंस बहुत ज्यादा थी, तो हमारे जो गेंदबाज है डेफिनेटली वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों में भारी पड़ते हुए नजर आए। बिल्कुल भारी पड़ते हुए नजर आए। लेकिन फिर से आपको दिखाते हैं भाई, विराट कोहली हो चाहे जिस तरीके का स्टार्ट किया था रोहित, और विराट ने ओपन किया था, हालांकि विराट कुछ खास कर नहीं पाए आज के मैच में, लेकिन रोहित शर्मा, अब शर्मा जी का छाया लड़का है। बिल्कुल, शर्मा जी का लड़का छा गया आज के मुकाबले में, रिटायर्ड हर्ट हो गए थे बट अपना काम करके गए हैं। 52 रन इन्होंने बनाए 140 के स्ट्राइक रेट के साथ, 4 चौके और 3 छक्के इन्होंने जरूर लगाए, और गगनचुंबी छक्के थे, मजा आ गया। नसाऊ काउंटी की जो स्टेडियम की जो ऑडियंस थी, पूरी पब्लिक थी, वो झूम गई थी इनके छक्कों को देखकर ही, बट बहुत जबरदस्त इन्होंने खेला है। कप्तान वाली पारी के लिए कप्तान से यही उम्मीद रहती है कि जब टीम इंडिया टीम जो है मुश्किल में हो, उस टाइम पे आपको टीम को कैसे संभालना है, वही चीज देखने को मिलती है, और आज रोहित शर्मा के बल्ले से वही चीज हमें देखने को भी मिली। आईपीएल की फॉर्म भूल जाइए, आईपीएल में बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म किया था, उतना ज्यादा एक शतक के बाद इनका बल्ले को जम लग गई थी, लोग इनके ऊपर तरह तरह के सवाल उठा रहे थे और हम लोग भी उठा रहे थे, क्योंकि जैसे खेल रहे थे लग रहा था कि वर्ल्ड कप में आप इस तरीके की फॉर्म के साथ कैसे जा सकते हो, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट अलग होता है और वर्ल्ड कप अलग होता है, आईसीसी टूर्नामेंट में खेलना बहुत डिफरेंट है। और एक अच्छी चीज ये है कि रोहित शर्मा ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पिच के बारे में उतना नहीं बोला, क्योंकि पिच का यूजुअली आप हवाला देते हो, पिच का एक्सक्यूज देते हो, तो रोहित जी शर्मा ने बोला कि हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में खेले हैं, तो हम लोग पिच का एक्सक्यूज नहीं देंगे। वो एक अच्छी चीज है कि रोहित शर्मा एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन को, कंडीशन को, कि पिच इस तरीके से है तो क्या कर सकते हैं, खेलना तो यहीं पे है ना, और आखिरी में आपका रिजल्ट मैटर करता है। पिच कोई नहीं याद रखेगा 2 साल 3 साल 10 साल बाद, हमेशा हर कोई रिजल्ट याद रखेगा कि हाँ आपने ये मुकाबला जीता था। बट ऋषभ पंत की डेफिनेटली तारीफ करनी पड़ेगी, लगभग 15 महीने बाद ये आईपीएल खेल रहे थे, उसके बाद आईपीएल के परफॉर्मेंस बेसिस पे इनका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हुआ, वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया जबरदस्त तरीके से, वर्ल्ड कप में अभी आपने देखा आज का मुकाबले में जिस तरीके से इनको एक अच्छी जिम्मेदारी दी गई थी, नंबर 3 नंबर 4 वाली